शास्त्री नगर में सीएमएस गार्ड का पंखे के हुक से झूलता हुआ शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि धनबाद जिले के बैंकमोर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में गुरुवार को सीएमएस गार्ड का पंखे के हुक से झूलता हुआ शव बरामद हुआ, जिसके बाद बैंकमोर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि बैंकमोर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में देवेंद्र झा नामक व्यक्ति का शव पंखे के हुक से लटका मिला, जिसे देखकर लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मृतक देवेंद्र झा सीएमएस गार्ड कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वह पटना से दो दिन पहले धनबाद आए थे। यहां पहुंचने के उपरांत अपनी कंपनी के ही एक गार्ड के आवास पर एक रात ठहरने की बात कहकर रुके थे, परंतु गार्ड को क्या पता था कि वह एक रात ही मैनेजर की आखिरी रात है, क्योंकि सुबह में गार्ड ने देखा कि पटना से आए हुए मैनेजर का शव उसके घर के एक कमरे में लटका हुआ है। खिड़की से बाहर से फांसी लगाए प्रशासन को फोन कर दिया और सीएमएस कंपनी को फोन किया। सीएमएस में कार्यरत है क्या? हाँ, मैनेजर। मैनेजर है। कब आपके यहाँ आए? कल रात में 9:30 बजे। कल रात में अकेले आया था कि कोई? अकेले। एक आदमी बोला था कि जाके आप रात को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देवेंद्र नाम था, क्या नाम था? जितेंद्र बोले थे एक रात खाती रख लो, रख लीजिए मिश्रा जी, कल अपने रूम में चले। आप क्या करते हैं? हम वही सीएमएस में गार्ड। आप इनको जानते हैं? नहीं। सीएमएस का मैनेजर है आप गार्ड हैं? हाँ, सीएमएस में हम जानते हैं कि मैनेजर है मेरा, क्योंकि एक साथ काम कर। कितने दिनों से कार्यरत हैं? वहाँ भी तो ट्रांसफर हो गए 2 दिन से। अच्छा, पहले कहाँ काम करते थे? ये तो पटना से आया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये मालूम नहीं है? झा जी हैं, हमको कहाँ के रहने वाले भी मालूम नहीं।